बच्चों, मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए पोच कड़ी बना रही हूँ। थोड़ा सुनने में अजीब सा ज़रूर लग रहा है, चलिए बनाते हैं और सीख भी लेते हैं। तो मैं क्या क्या डाल रही हूँ बेटा, सबसे पहले सरसों का तेल। मैं कटोरी में इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को एक अंदाज़ा मिले, इसलिए मैं कटोरी में दिखाती हूँ। और इसमें मेरा बड़ा दो प्याज है चॉप किया हुआ, और उसके अलावा आपका ये धनिया का पत्ता, और ये है पेस्ट। इसमें मैंने 8 से 10 लहसुन और छोटा एक अदरक और दो प्याज एक संग छील के इसमें मैंने मिक्सी में मैंने पीस डाला, इसमें पीसा है। और ये है टमाटर, दो टमाटर पेस्ट है, हल्दी, मिर्चा, पिसी हुई धनिया, और ये है गरम मसाला जो घर का पिसा हुआ है। इसमें दो इलायची, एक बड़ी इलायची, 4-5 ठो लौंग और दालचीनी, और इसमें कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, गैस जलाते पहले। पहले मैं तेल डालती हूँ, मैं पूरा तेल मैंने नहीं डाला, थोड़ा ही बचा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा। लगभग यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल डाला है, तो पहले तेल हो जाए फिर बाकी मैं चीज़ें डालती हूँ। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा तेल हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डालूँगी। चीनी डालने से ऐसा होगा कि आपके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, पर इसका सब्जी का आपका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये मत सोचिए कि चीनी डालने से मीठा हो जाएगा, कुछ मीठा नहीं आएगा, सब्जी जैसा होता वैसे ही बनेगा, पर कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा। मैं डाल के दिखाती हूँ, तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब मैं बताती हूँ। तेल अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि बहुत मोटी कढ़ाई है, इसलिए टाइम लग जा रहा है मेरा तेल होने में। तेल लगभग हो गया है, देखिए मैंने इतना थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ इसमें। चीनी थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं प्याज डालूंगी। ध्यान रखिएगा मैं किस तरह चीनी को होने दे रही हूँ बेटा, देखिएगा आप लोग। उसके बाद मैं चीनी प्याज डालूंगी, तब सब्जी का एक कलर बहुत खूबसूरत आता है वो। उसमें आपको कोई आर्टिफिशियल रंग डालने की ज़रूरत नहीं, कलर अपने आप खूबसूरत आने लग जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया, पूरी तरह से कलर चेंज हो गया बच्चों। अब मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए उसके बाद मैं ये जो अदरक लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट बनाया है वो डालूंगी मैं। बच्चों एक बार बना के जरूर ट्राई करके खा कर बताइएगा कि कैसा बना, अच्छा बना कि नहीं बना। पर बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं खिला पा रही, बहुत दुख लग रहा है, पर बना के दिखा सकती हूँ, मैं बना रही हूँ, आप लोग सीख लीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि मैं और भी रेसिपी आप लोगों के सामने ला सकूँ। मेरी भी इच्छा बनी रहे कि मैं आपके सामने हमेशा आती रहूँ। जो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, अब मैं जो है पेस्ट डाल रही हूँ।
थोड़ा सा धैर्य से काम कीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से होगा और संभल कर काम कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट डालते वक्त थोड़ा सा छीटा उठता ज़रूर है, इसलिए थोड़ा संभल कर काम कीजिएगा, आप लोगों को लग ना जाए। मैं पोच कड़ी बना रही हूँ और इधर आप लोगों को मैंने अंडा ही नहीं बताया कि मैं अंडा भी डाल रही हूँ, पर मुझे मालूम है हम लोग के बच्चे बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता चली गया कि अंडा ही होगा। थोड़ा सा लाल होने दो मिनट के लिए, फिर हो जाए। देखिए बच्चों काफ़ी हद तक लाल हो चुका है। अब मैं बाकी के मसाला डाल रही हूँ, जैसे मैंने एक चम्मच हल्दी लिया, और एक चम्मच भर के मैंने बेटा नमक लिया, क्योंकि ये लिक्विड होगा, थोड़ा सा रसेदार टाइप का होगा। और मिर्ची मैंने आधी चम्मच ली है। नमक मिर्चा बेटा हमेशा मैं बोलती हूँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और धनिया दो चम्मच धनिया, मसालों को भूजिएगा ज़रूर, जलने मत दीजिएगा, जलेगा तो बेटा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो गैस को कम एक धीमा कर दिया कीजिएगा, तो जलेगा नहीं मसाला। अब मैं इसमें जो है टमाटर पेस्ट डालती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी हो जाता है बेटा, और खाने में भी वैसे ही खूबसूरत और टेस्ट लगता है। चाहे इसको आप लंच में बनाएं, चाहे डिनर में बनाएं, जब मर्जी है बनाएं। और इसको जो है चावल के संग ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा रसेदार है इसलिए चावल के संग अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मसाला और भून जाए, उसके बाद मैं थोड़ा पानी डालूंगी। देखिए बच्चों मसाला तेज छोड़ रहा है, मैंने ऐसे ज़्यादा तेज मैंने दिया नहीं था, आप गौर कर सकते हैं यहाँ से कि तेज छोड़ रहा है, यानी कि मसाला मेरा भून चुका है। अब मैं पानी डाल रही हूँ, लगभग दो गिलास बड़ा दो गिलास मैंने पानी डाला है, और ये गरम मसाला जो मैंने घर में पीसा है उसको भी मैंने डाल दिया इसमें। और अब थोड़ा सा खौलने देते हैं, फिर मैं अंडे को कैसे डालूंगी मैं वो बताती हूँ। अब बच्चों मैं अंडा डालूंगी, पर मैं इस कटोरी मैंने क्यों लिया है ये बेटा मैं बताती हूँ, पहले एक एक करके मैं सब समझा देती हूँ। देखिए मैंने अंडा फोड़ा और धीमे से मैंने एक तरफ से अंडा को डाल दिया, ठीक है। इसको दो मिनट के लिए घूमने देते हैं, तुरंत फिर नहीं डालेंगे बेटा, ये हम डाल पा रहे हैं, पर आप लोग मत डालिए, आप लोग को हम कटोरी में हम दिखा देते, क्योंकि इसमें गर्म है, आप लोग के हाथ में लग सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को कटोरी का भी प्रोसेस मैं सिखा देती हूँ। इसको दो मिनट होने दीजिए, देखिए मैं कटोरी में अंडे को फोड़ रही हूँ, धीमे से डालिएगा तो ये येलो वाला जो है आपका फूटेगा नहीं। ये देखिए एक
मैंने पहले जो डाला था वो है, अब मैं ये दूसरा डाल रही हूँ बिल्कुल आराम से। फिर मैं इसको होने दूंगी, फिर उतने में एक और अंडा फोड़ लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो गैस धीमा कर देंगे। इसे ये जल्दी ये रहेगा कि बेटा आपने हमने ग्रेवी बनाया और इसी तरह बना लिया, उसके लिए अंडा को बॉइल्ड करो और सब करो, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर बॉइल्ड के बाद फिर भूजो, कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पोच बना के फिर मैंने एक और डाल दिया। एक और गया, अब ये मैं फिर एक और डालती हूँ। बच्चों थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, पर विश्वास मानिए जब आप इसको सर्व करके सबको देंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने दूसरा डनर, ये गया एक और, ठीक है, ये इनको भी होल हो जाए, थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाए। ये देखिए पहला अंडा आपका, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा सा और भी टाइम लेकर करती हूँ बेटा, और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि आप लोगों को कोई शक ना रहे कि पता नहीं कैसा होगा। मैं गैस को थोड़ा सा कभी कदर कम भी कर रही हूँ, कभी कदर तेज कर रही हूँ, तो उसके पीछे भी ये है कि उबल के गिरेगा नहीं और इधर अंडा बॉयल भी हो जाएगा अंदर ही अंदर। देखिए इधर फिर मैंने एक और डाल दिया, अब इसको हो जाए फिर दूसरा डालती हूँ। मैंने इस समय 6 अंडे का किया है, आप लोग चाहो तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। मैंने 6 अंडे का बनाया है। ये देखिए पोंछ बन गया है, ये देखिए सारे पोंछ आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब मैं लास्ट ये अंडा पे छोड़ रही हूँ। बच्चों थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा धैर्य डाल के कीजिए, आप को खुद सोच नहीं सकेंगे कि अरे वाह हमने ऐसा अच्छा बना दिया। अब ये हो रहा है बॉइल्ड हो जाए, तब तक मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँ। थोड़ा सा और बॉइल्ड हो जाए तो जो मैंने लास्ट में अंडा डाला वो भी बॉइल्ड हो जाए, तब मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए मेरा सारे अंडे बॉइल्ड हो गए हैं, चलिए अब मैं सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है बेटा। मैंने गैस बंद किया, उम्मीद करते हैं बच्चों मैंने आप लोग के पसंद से मैंने बनाया कि नहीं पता नहीं, पर बेटा प्लीज़ अगर पसंद आए तो हमको बताइएगा ज़रूर। देखिए आप लोग के लिए पसंद वाला चीज़ हुआ कि नहीं अंडा पोंछ। और अब मैं अलविदा लेती हूँ आप लोग से, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से मिलती हूँ आप लोग से। बाय बेटा।